और चलिए अब देखते हैं उत्तराखंड का घड़ी घड़ी घमासा। सड़क हादसे में घायल हुए भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत का देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में इलाज जारी है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऋषभ का हाल जाना और हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर और कंडक्टर को सम्मानित करने की बात कही। देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत का इलाज जारी है। वहीं आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ऋषभ पंत का हाल जानने के लिए मैक्स अस्पताल पहुंचे। सीएम धामी ने जानकारी दी कि ऋषभ पंत की हालत में तेजी से सुधार हो रहा है। वहीं ऋषभ की जान बचाने वाले हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर और कंडक्टर को 26 जनवरी को राज्य सरकार सम्मानित करेगी। पहले की स्थिति में और अब की स्थिति में काफी अंतर है और डॉक्टरों ने जो मेरी बात हुई है उन्होंने बताया है कि एक दो दिन में और ज्यादा सुधार हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर ऋषभ पंत के हादसे से जुड़ा एक और सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि डिवाइडर पर चढ़कर बिजली के खंभे के टकराने के बाद महज 20 सेकंड में ऋषभ पंत की गाड़ी आग के गोले में तब्दील हो गई। शुक्रवार सुबह गुरुकुल नारसन के पास ऋषभ पंत की BMW कार हादसे का शिकार हुई थी। ऋषभ पंत की गाड़ी हादसे का शिकार होने के बाद नेशनल हाईवे विभाग हरकत में आया और ब्लैक स्पॉट पर सुरक्षा उपायों को चिन्हित किया गया। साथ ही रजवाहे की मिट्टी के टीला पर एक हैजार्ड रिफ्लेक्टर भी लगा दिया गया। वहीं हादसे में क्षतिग्रस्त हुई रेलिंग की मरम्मत भी शुरू कर दी गई है। जिस जगह पर ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ था वहां एक मिट्टी का टीला है जिसकी वजह से हादसा हुआ है। ऋषभ पंत की कार हादसे को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सड़क किनारे मौजूद इस मिट्टी के टीले की वजह से ही हादसा हुआ था, जिस पर प्रशासन एक्शन में आ गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी और पुलिस ने अब यहां पर रिफ्लेक्टर लगा दिया है, जिससे यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को मिट्टी का टीला पहले ही दिख जाए और भविष्य में इस तरह के हादसे ना हो। वहीं ऋषभ पंत के कार हादसे से जुड़ा एक नया सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें ऋषभ पंत की कार तेज रफ्तार से डिवाइडर पर चढ़ते हुए नजर आ रही है। ये वीडियो 30 दिसंबर की सुबह 5:21 का है। नारसन के पास एक रेस्टोरेंट के इस सीसीटीवी को देखने पर पता चलता है कि ऋषभ पंत की गाड़ी की रफ्तार काफी ज्यादा थी। गौर करने वाली बात यह है कि अगर महज 20 सेकंड की देरी हुई तो ऋषभ पंत की जान बचाना मुश्किल था, लेकिन चंद सेकंड में गाड़ी में आग लग गई थी। इस वीडियो को गौर से देखिए। सुबह 5:21 और 28 सेकंड पर ऋषभ पंत की कार बिजली के पोल से टकराते हुए सड़क के दूसरे किनारे पर जा गिरती है। सीसीटीवी को देखने पर पता चलता है कि उस समय गाड़ी भी वहां पर आकर रुकती है। बताया जा रहा है कि यह हरियाणा की वही बस है जिसके ड्राइवर और कंडक्टर ने ऋषभ पंत की जान बचाई थी। महज 20 सेकंड के भीतर ही ऋषभ पंत की कार में आग लग जाती है। इस सीसीटीवी में भी साफ दिखाई दे रहा है कि 20 सेकंड में ऋषभ पंत की कार आग का गोला बन जाती है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है। तस्वीरें अल्मोड़ा की हैं, जहां जागेश्वर मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। नए साल का आगाज लोगों ने कुछ इस अंदाज से किया। सुबह सुबह लोग भगवान के दर पर पहुंचे और नए साल पर आशीर्वाद लिया, साथ ही सुख समृद्धि की प्रार्थना की। जागेश्वर धाम विश्व प्रसिद्ध धाम है, ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक धाम है। यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं और महामृत्युंजय जाप हवन और आदि रुद्राभिषेक किया जाता है। जागेश्वर धाम में शिव भक्तों ने महामृत्युंजय में पूजा अनुष्ठान किया। सुबह से ही मंदिरों के बाहर लंबी लंबी कतार लग गई। भगवान शिव के दर्शन करने के लिए भारी सैलाब उमड़ा। नए साल के दिन लोगों ने खुशहाली और सुख समृद्धि की मनोकामना की। भगवान शिव के जय घोष के साथ लोगों में अलग ही उत्साह देखने को मिला। जागेश्वर को उत्तराखंड का 5वां धाम कहा जाता है। ये भगवान शिव की तपोस्थली है। जागेश्वर मंदिर में 125 मंदिरों का समूह है, जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिरों का समूह है। यहाँ नवदुर्गा, सूर्य, हनुमान जी, कालिका और कालेश्वर प्रमुख हैं। देश भर से श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए पहुँचते हैं। यही वजह है कि नए साल का आगाज लोगों ने भगवान शिव के दर्शन के साथ किया। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।